वाले पोकेमोन को भेजते हैं, देखते भाई नीचे अगर अटैक करेगा ना तो काफी तो सही रहेगा यार। बहुत बुरा भाई, पूरा शील्ड डैमेज कर दिया एक बार में, वो बादल बन के पॉइजन गिर रहे भाई, ये मेरे पे अटैक कर रहा है नाइस ब्रो, पूरा गला डाला एंड बहुत अमेजिंग फाइट ले रहा है भाई नाइस। फाइनली गाइस गाइस वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो एंड आज हम लोग वापस से आ चुके हैं अपने पहले वर्ल्ड में, जहाँ पे कि लास्ट टाइम आप लोगों को याद होगा पिछले वाले एपिसोड में हमने फाइट करके इस बड़े से डायनासोर को पकड़ा था जो कि वही इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन है एंड इसके अलावा हमने मुसांडालक्स को भी पकड़ा था जो कि वही गोल्डन कलर का एंड इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन ये भी है एंड तीनों पोकेमोन यहाँ पे भीड़ लगा के काम कर रहे हैं। भाई इस वाले मुसांडालक्स को हमने पिछले वाले एपिसोड में पकड़ा था जो कि लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल है, दिखने में भी काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है और इसके ऊपर चढ़ के यहाँ से लकड़ियां काट रहा है। लेकिन आज हम लोग कोई भी बॉस फाइट नहीं करने वाले, आज हम लोग जाने वाले एक अलग जगह पे जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लोर किया भाई। ये वाला जो एरिया ना ये काफी ज्यादा अमेजिंग, क्योंकि यहाँ पे इतने अलग अलग टाइप के पोकेमोन भरे पड़े हैं। लास्ट वाले एपिसोड में आप लोगों को याद होगा हम गए थे एक टावर में फाइट करने के स्नो बॉल में एंड भाई वहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक पोकेमोन था एंड गाइस इसके आगे एक मिनट भी नहीं टिक पाए, बट जस्ट मैंने पहले वर्ल्ड का एरिया थोड़ा एक्सप्लोर किया एंड गाइस जैसे आप लोग देख सकते भाई ये वाला एरिया मैंने एक्सप्लोर किया एंड इस वाले साइड पे हमें वो वाला पोकेमोन भी देखने को मिलने वाला। आज हम लोग पहले वर्ल्ड के सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ट्रैवल, मतलब जिस पैल से बैठ के हम सबसे स्पीड में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, आज इस वाले पैल को हम लोग पकड़ने वाले हैं एंड यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे काफी बड़ा ड्रैगन का अंडा है जो की अंडा है रिटायर एंड पायरेटनॉक्स की ब्रीडिंग, मैंने वैसे इनके यहाँ पे ब्रीडिंग करवाया था एंड भाई यहाँ पे हमें काफी बड़ा अंडा मिल चुका है एंड मुझे भी नहीं पता इस वाले अंडे से निकलने क्या वाला है, हालांकि काफी ज्यादा बड़ा अंडा है। फिलहाल मैंने इंक्यूबेटर में ये सारे अंडे लगा के छोड़ा था, सबसे पहले इन लोगों को अनलॉक करके देखते हैं कौन सा नया टाइप का पोकेमॉन मिलने वाला, उसके बाद भाई जो हमें ब्रीडिंग से ये और इतना बड़ा ड्रैगन का अंडा मिला इसे लगा के देखेंगे एंड गाइस यहाँ पे हमें एक नया टाइप का पोकेमोन मिल चुका है एंड गाइस यहाँ पे एक ड्रैगन अंडा इसके भी रिलैक्सर ऑफ निकला यार। अब ओपन करके इस वाले अंडे को तो इसमें से भी टायर निकला भाई, वो भी आल्ट टाइप की टायर इसमें से क्या, ओ भाई ये वाला भी मेरे पास ऑलरेडी है गाइस, ये मेरे पास दो दो हो चुका है, बट भाई अपना सबसे इम्पोर्टेंट मेरी मैंने भाई पहली बार ब्रीडिंग करवाया एंड इससे मुझे ये वाला एक बड़ा सा ड्रैगन का अंडा मिला तो इसे हम यहाँ पे लगा के छोड़ते हैं और भाई इसे ओपन होने में 2 घंटे टाइम लग रहे। ये वाला अंडा गाइस आया एक फायर टाइप रिप्टायरो एंड भाई अपने पायरेटनॉक्स की ब्रीडिंग से, तो देखते हैं इसमें कोई स्पेशल पोकेमोन ही निकलने वाला। बाकी गाइस आज हम लोग पकड़ने वाले पैल वर्ल्ड के अंदर ट्रैवल करने के लिए सबसे ज्यादा फास्टेस्ट पैल को पकड़ने के लिए, तो उसके लिए मैं पहले रेडी हो जाता हूं, सबसे पहले अपने मजबूत टीम को ले लेते हैं। लेकिन गाइस अभी हमें ये वाला पोकेमोन मिला जिसका नाम है क्रायोनिक्स एंड गाइस ये एक स्नो वाला पोकेमोन है, मैं आप लोगों को इसका साइज दिखा देता हूं, भाई काफी ज्यादा बड़ा साइज इसका। इस वाले पोकेमोन को गाइस मैंने स्नो वाले बॉय में भी देखा था एंड लिटरली इसका अटैक करने का तरीका काफी ज्यादा ओपी है भाई, ये तो पहला लेवल का क्योंकि अभी अंडे से बाहर आया है। इस वाले पोकेमोन की फाइट हम इसी एरिया में करवाएंगे ताकि इसका लेवल काफी जल्दी बढ़े, बस ऑलरेडी रात हो चुकी है, अब निकलते हैं हम उस वाले जगह में क्योंकि भाई वो सारे पोकेमोन हमें रात में देखने को मिलने वाले, मुझे नहीं पता गाइस वहाँ पे काफी सारे मतलब बहुत हाईएस्ट लेवल के पोकेमोन देखने को मिलने वाले, वो फाइट कैसे जाने वाला है मैंने अपने हिसाब से 2-3 पैल ले लिए है जो की आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने इस नए टाइप वाले पोकेमोन को लिया जो की फायर टाइप पोकेमोन है, इसके अलावा मैंने अपने रिप्टायर को लिया जो की आइस वाला रिप्टायर है, ये भाई फायर टाइप पोकेमोन के अपोजिट काफी प्यारा फाइट करने वाला है एंड गाइस इसके अलावा मैंने एक और नए पोकेमोन को लिया जो कि आप लोग देख सकते हैं ये भी एक फायर टाइप पोकेमोन है, इसे भी मैंने अभी रिसेंटली पकड़ा है, इसका लेवल भी 30 है एंड इसके अलावा अपना वाटर टाइप सबसे ज्यादा फेवरेट पोकेमोन इसे कैसे भूल सकते भाई, इसे भी मैंने ले लिया। तो गाइस दिक्कत वाली बात नहीं, चलते हैं सबसे पहले उस वाले पोकेमोन को ढूंढते हैं एंड भाई उसे पकड़ते हैं एंड गाइस भाई सामने के साइड पे हमें दिख चुका है ये भाई पिंगलो, ये गाइस पैल वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा स्पीड वाला यानी सबसे ज्यादा स्पीड दौड़ने वाला पोकेमोन है एंड गाइस हम इसके ऊपर बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं एंड फिलहाल ये सोने की तैयारी में, तो सबसे पहले जाते हैं इससे फाइट करते हैं भाई, इसका लेवल 36 फटाफट से फाइट चालू करते हैं। मैं सबसे पहले अपना ये वाला पोकेमोन भेजने वाला जिसका नाम है विक्सन एंड ये फायर टाइप पोकेमोन है भाई, सबसे पहला अटैक मैं करता हूं इसके ऊपर। ओके नाइस ब्रो फाइट हो गई, मैंने अपने पोकेमोन को भेज दिया, अब भाई देखते हैं फाइट कैसा चलता है एंड भाई 36 लेवल का यार थोड़ा ज्यादा हैवी होने वाला है तो फाइट करना, भाई पाइट नॉक तो इधर घूम रहा 36 लेवल का, वो बीच में ना आ जाए भाई, एक दो अटैक उसको लग जाएगा ना वो बीच में आ जाने वाला है। ओ भाई साहब मेरे पे अटैक मार दिया यार डायरेक्ट, बहुत बुरा अटैक मारा ना भाई, मेरा फायर टाइप पोकेमोन भी काफी ज्यादा प्यारा फाइट ले रहा है इससे, क्यों है कहाँ इधर आ गया ब्रो, भाई ये मेरे पे अटैक कर रहे थे नाइस ब्रो भाई पूरा गला डाला, बस भाई पायरेट नॉक को एक दो शॉट ना लग गया भाई, आग लग चुकी है इसके ऊपर, फिंगलॉक के ऊपर आग लग चुकी है एंड बहुत अमेजिंग फाइट ले रहा है भाई नाइस। आई थिंक गाइस मेरा एक ही पोकेमोन ने भाई इसका इतना ज्यादा एक्सपी डाउन कर दिया ना कि मैं इसे एक बार ही नहीं पकड़ सकता, बस एक दो शॉट और लग गया ना उसके बाद भाई इसके बाद भाई इसे हम पकड़ सकते हैं, बहुत बुरा भाई बबल वाला अटैक मारते हैं, मिस हो गया था ना, एक और बार बोलना पड़ेगा। तो भाई आई थिंक मुझे अपने पोकेमोन को वापस लाना चाहिए
एंड गाइस अब बाकी काम इसे भी निपटा दे। पहला बॉल इस पे ट्राई मार हो गया, ग्रीन वाला पहले फेंक के देखते भाई, ग्रीन वाला सर ही नहीं हुआ क्या? नाइस ब्रो, पहला बॉल मैंने यहाँ पे फेंक दिया ग्रीन वाले से तो नहीं आने वाला है। ओ भाई येलो वाला वेस्ट कर दिया, येलो वाला फेंकते भाई 1.8 की रेटिंग मिली आज हम फेंक इसके आने वाला है। थोड़ा बहुत और अटैक मारते इसको, हाथ से ही मारते ताकि भाई बस ये डेड ना हो जाए। भाई पॉइजन फेंक रहा है मुंह पे, नाइस भाई मर जाएगा वो, आ गया ब्रो उसके ऊपर आग लग चुकी, एक दो शॉट में मर जाएगा वो, बस आ जाए। मर गया भाई, मर गया ब्रो, मुझे अपनी आग वाले से नहीं मारना चाहिए, उसके ऊपर आग लग चुकी थी, उसकी एक्सपी पूरी डाउन हो गई। एंड सामने के साथ पैरेट नाउ का आई होप इस साइड पे वो पोकेमॉन एक दो और हमें दिख जाए, और 36 लेवल का था उसे, मर गया बड्डा। आयरो मारना चाहिए आखिर में, अरे बाप पायरेट नाउ से फाइट हो गया, भागो। बट गाइस अभी ना हमें एक नए टाइप का पोकेमॉन दिख चुका है जिसका नाम है भाई ब्लेज हो। एंड गाइस लिटरली भाई ये पायरेट नाउ से ज्यादा खतरनाक दिख रहा है, लेवल 37 का, इससे फाइट लो तो इसे पकड़ के देखते भाई, देखने में सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, लंबी पूछ है इसकी, और भाई फाइट हो चुकी है ब्रो, फाइट ले लिया इसने। चलो भाई फाइट स्टार्ट हो चुकी है 37 लेवल के पोकेमॉन से, एंड आई थिंक मुझे अपना फायर टाइप पोकेमॉन इसे लड़ने के लिए भेजना चाहिए। तो इस बार ही ना गाइस अपने इस वाले पोकेमॉन को देखिए, नया नया सा एंड इसे मैंने अभी तक यूज नहीं किया, सिर्फ पकड़ा था मैंने इसे, भाई देखते किस तरीके से फाइट करता है। ओ भाई ना डाउन यार, काफी तो डाउन है भाई, कितना ज्यादा खतरनाक पोकेमॉन दिख रहा है दिखने में। नाइस भाई दोनों फायर टाइप है एंड दोनों डार्क टाइप है, एंड भाई साहब ये भी फायर टाइप है, वो अटैक बहुत प्यारा कर रहा है। नाइस भाई इसके पास काला सांप के जैसे दिख रहा है, कितना अजीब दिख रहा है, सो रहा है क्या आधा नींद में? नाइस ब्रो बहुत प्यारा अटैक, अब मैं कहा वापिस लाते वरना ये लोग ने इसे जान से मारने वाले बिल्कुल। बॉल फेंक के देखते आयो पहले वाले बॉल में आ गया, बस नहीं आएगा भाई, अपने को ना एक दो एरो मारना पड़ेगा इसके सर पे। अब बॉल फेंक के देखते हैं, नहीं आया ना, एक दो एरो और मारेंगे, दो एरो और मारने वाला हूँ मैं भाई, अटैक कर दिया बहुत बुरा, एक शॉट और मारते उसके बाद बॉल फेंकते। ओके नाइस भाई, अरे जला दिया बिल्कुल मेरे को, जला दिया, अरे रे रे रे, अरे एकदम डेड हो जाएंगे। ग्रीन वाला बॉल इसके ऊपर भाई असर ही नहीं हो रहा, ग्रीन वाला बॉल येलो वाले से आ गए भाई, मेरे एक्सपी बहुत ज्यादा डाउन है। फाइनली गाइस फाइनली हमारे पास नया पोकेमॉन आ चुका है जिसका नाम है ब्लेज हॉल, और भाई बहुत ज्यादा खतरनाक पोकेमॉन था भाई, मेरी एक्सपी बहुत ज्यादा डाउन है, मेरे को थोड़ा हिलअप करना होगा। बापा बहुत भयानक फाइट हुआ, भागो यहाँ से धीरे से। एंड गाइस अब सीधे हो चुके हैं, तो भाई सीधे तो अपना वो वाला पोकेमॉन दिखने नहीं वाला जो की काफी ज्यादा फास्ट ट्रैवल में हमारा काम आएगा, जिसका नाम पिंगलॉक। बट गाइस मुझे एक और जगह पता है जहाँ पे हमें पिंगलॉक दिखने को मिलने वाला है, बस भाई उसका लेवल थोड़ा सा कम होने वाला है, इस वाले का लेवल 36 था, लेकिन भाई दिक्कत वाली बात नहीं, उसे हम अपने साथ रखने वाले, तो उसका लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। एंड बेसिकली हम उसका यूज फास्ट ट्रैवल के लिए करने वाले, क्योंकि भाई वो पैल वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा फास्टेस्ट पैल में से आ रहा है, जिसपे बैठ के हम ट्रैवल कर सकते हैं। झोपड़े के ऊपर अंडर रख दिया, लेट्स गो गाइस, पिंगलॉक के इलाके में वहाँ का वो बॉस है, एंड हम उससे जाके डायरेक्ट फाइट करने वाले। जैसे आप लोग देख सकते हो ये वाला बॉस है, एंड भाई मुझे यहाँ तक जाने का रास्ता भी फाइनली मिल चुका है, तो जाते उस वाले केव के अंदर, आई मीन उस माइन शाफ्ट के अंदर, एंड भाई उसका जाने का रास्ता नीचे के साइड से, तो गाइस फटाफट यहाँ से नीचे की साइड पे उतरते एंड पकड़ते अपने पिंगलॉक को। गाइस वेलकम टू द फॉल माइनशाफ्ट, एंड भाई इसके अंदर रहता है पिंगलॉक जो कि इस एरिया का बॉस है, भाई जगह बहुत प्यारी है। एंड गाइस फाइनली हमें पिंगलॉक दिख चुका है, जैसे आप देख सकते हो ये 25 लेवल का, भाई वहाँ जो हमें पिंगलॉक मिला था ना वो 35 लेवल का था। बट गाइस दिक्कत वाली बात थी, हम इसका यूज करने वाले ट्रैवल के लिए, एंड भाई वो तो रात में स्पॉन होता है ना, कभी भी जाके उससे वापस से फाइट लेकर उसे पकड़ सकते हैं, उसे पकड़ना अपने लिए काफी ज्यादा इजी है। इसको पहले हेडशॉट मारते एंड भाई फाइट लाइट विंग से थोड़ा सा लड़ ले, मैं निकालता अपने बेस्ट पोकेमॉन के जो की होने वाला है अपना रिप्टायरो, अभी के लिए तो रिप्टायरो सही है। ओ भाई यहाँ तक आके अटैक मारेगा क्या? मुझे हवा पे चढ़ना होगा, और भाई पूरा पॉइजन ही पॉइजन फेंक दिया ब्रो मेरे ऊपर। नाइस भाई अपने रिटायर ने बिल्कुल जमा दिया इसको, बहुत सही भाई, रिटायर तो काफी ज्यादा अच्छा फाइट दे रहा, बट भाई उसके तरफ देख नहीं रहे क्या? फायर टाइप पोकेमॉन को भेजते भाई, ये दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक दिखता है, और अटैक भी बहुत ज्यादा प्यारा करता है। देख रहे 78 का डैमेज, बिल्कुल आग लगा दी उसकी बॉडी में, एंड भाई ये पूरा पॉइजन फेंकता है यहाँ से, वो बादल बन के पॉइजन गिर रहे, बहुत गजब का डैमेज, 300 प्लस डैमेज गिर रहा है एक बार में। भाई साहब उसका अटैक ना बहुत ज्यादा खतरनाक है यार, 25 लेवल का मेरा पोकेमॉन 30 लेवल का, बट फिर भी बहुत ज्यादा बुरा अटैक दे रहा है। एंड मुझे वापस ला लेना चाहिए इसको, एक दो अटैक ना भाई ये बादल वाला फेंक देना, पॉइजन ये सर पे आके गिरेगा, एक दो अटैक ना मैं ऐसा एरो से ही मारता हूँ, वो उसके पहले मार दिया इसने। नाइस भाई अटैक काफी ज्यादा खतरनाक भी इसका, अरे इतना कम डैमेज कैसे जा रहा है भाई, कूद जाएगा पॉइजन फेंकेगा सर पे, देख रहे पॉइजन की बारी, अभी तो फिलहाल बहुत बुरा अटैक कर रहा है भाई, मेरी एचपी भी बहुत ज्यादा डाउन है, मैं देख ही नहीं रहा, वल्लाह बहुत हार्ड, अरे रे रे पॉइजन की बारी से गई।
बॉल फेंकते अरे बॉल वेस्ट हो गया। पहला बॉल फेंकते 14% कैचिंग रेट आगे पा गए, 84 इसकी एक्सपी बची हुई है। आ गया भाई आ गया, नाइस ब्रो। टाइम लगा अपने पास किलो पाँच धीरे की लिटरली बहुत ज्यादा खतरनाक है। सिर्फ 25 लेवल का था, इसका अटैक करने का तरीका ना बहुत ज्यादा ओपी था। पिछले बार आया था नहीं, पकड़ने के लिए मर गया था यार। जो गाइस फाइनली इस केव से अपन बाहर आ चुके हैं, मीन माइन शाफ्ट से बाहर आ चुके हैं। पूरा पानी पानी चारों तरफ। फाइनली अपने बेस पे चलते हैं, देखते हैं दो नए टाइप पोकेमोन जिन्हें मैंने पकड़ा भाई, बहुत ज्यादा ओपी पोकेमोन से। एंड इसे हमने अभी पकड़ा ना, फटाफट से आके उसका सैडल बनाते हैं। गाइस मैं ट्रैवल करके दिखाता हूं, बहुत ज्यादा फास्ट पोकेमोन है पैल वर्ल्ड के अंदर। इसके बाद ना भाई हम नाइट विंग के ऊपर भी चढ़ के ट्रैवल नहीं करेंगे, इसके लिए ना हवा में ट्रैवल करने के लिए मैं एक नया पोकेमोन पकड़ने वाला, जो कि उसी वाले इलाके में हमें मिलने वाला है। वो भी भाई रात के टाइम पे ही मिलता है, बस वो वाला एरिया ना रात के टाइम के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। और सुजाकू को क्या हो गया, हवा में अटक गया, मर वर गया क्या? अच्छा दिन भर। सो गाइस यहाँ पे आप लोग देखे तो सबसे पहला पैल जिसे हमने पकड़ा ये एक नाइट वाला पैल है। और भाई कहाँ दौड़ के जा रहा हूँ भाई, कितना ज्यादा बड़ा ब्रो, इधर आ गया थोड़ा। ये वाला गाइस सबसे बड़ा पैर भाई बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है, दिखने उसकी सींग भी बड़ी बड़ी थी। एंड इसके ऊपर बैठ के भी ट्रैवल करने में काफी ज्यादा मजा आने वाला। वेट में जंप कर रहा था, वो भी जंप कर रहा है क्या? ओ भाई लहमबॉल बच्चे बच्चे को मार रहा है ये पूरा भाई, कितना बुरा अटैक है इसका, एक भारी में। उसके अलावा फिर हमने दूसरा पोकेमोन पकड़ा है जो कि काफी ज्यादा प्यारा है, वो भाई ये स्टैंगलॉप। एंड भाई यहाँ पे भाई उड़ते ही कितने ज्यादा स्पीड में उतने दूर भाग गए, तो जाते हैं चीज का सैडल बनाते हैं। और भाई बहुत बुरा अटैक कर रहा है यार, अभी थोड़ी देर पहले ये वाला अटैक इसने हमारे ऊपर मारा था। चलते हैं बीच में फटाफट इसका सैडल बनाते हैं, उसके बाद इसके ऊपर ट्रैवल करते हैं। बट गाइस हमारे पास एक भी टेक्नोलॉजी पॉइंट नहीं है, तो हम इसके सैडल को भी अनलॉक नहीं कर सकते भाई। अभी ना हमें टेक्नोलॉजी पॉइंट चाहिए सबसे पहले। और राइट गाइस मैं आ चुका हूं वापस फिशरमैन पॉइंट पे। एंड भाई यहाँ पे हम एक और काम करने वाले हैं, जिसके लिए हम इस माउंट ऑब्सिडियन में आना पड़ा। एंड भाई यहाँ पे अपना गैस हवे में हम नाइट विंग से ज्यादा नहीं सफर करने वाले, क्योंकि भाई काफी ज्यादा स्लो है, मतलब आप देख सकते हैं कितना ज्यादा स्लो आगे बढ़ते हैं। लेकिन भाई आज तक हम इसी के ऊपर उड़ रहे थे, बट अब हमें स्लो इसलिए लगने लगा क्योंकि पैल वर्ल्ड के अंदर इससे भी ज्यादा फास्ट, मतलब सबसे ज्यादा फास्ट हवे में ट्रैवल करने वाला एक और पैल है, जो कि भाई ये सब यार कबे हुए तो बच्चे उसके सामने वो वाला पोकेमोन है। आई थिंक इस वाली जगह पे रात के टाइम पे दिखने वाला है, तो गैस उसे हम पकड़ने वाले। अंदर नीचे के साइड पे एक और फिंगलॉट है भाई, लेवल 35 का, इससे फाइट करते ना, इसे पकड़ते तब तक रात भी हो जाएगी। रात के टाइम पे हम फाइट लेने वाले उस वाले बर्ड से, जो कि भाई इस वाले पैल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा खतरनाक एंड सबसे ज्यादा स्पीड ट्रैवल करने वाला पैल है। एंड भाई फाइट शुरू हो चुकी, नाइट विंग ने फाइट स्टार्ट कर दिया। मैं इस बार उससे लड़ने के लिए ब्लेज मॉब को भेजने वाला हूँ भाई, ये ले इससे फाइट कर ब्रो, ये मेरा बिल्कुल नया नया पोकेमोन है भाई। चक्कर आ गए, एक शॉट में इसने मारा उसे दो, नाइस भाई बहुत बुरा अटैक मारा यार, दो अटैक में आई थिंक इसे मार देगा, इसको वापस लाते भाई वो जल जाएगा। अब इसकी एक्सपी ऐसी कम है, इस बार इसे मरने नहीं देने वाला मैं 35 लेवल का भाई, इसे तो पकड़ के रहेंगे। एंड आई थिंक अब ये आ जाने वाले, एक दो ट्राई मार दिया, 1% कैचिंग रेट है, इसका लेवल ज्यादा है ना इसलिए 35 लेवल का 1% कैचिंग रेट दे रहा है भाई, बहुत ज्यादा फास्ट है। ओ भाई शील्ड डैमेज कर दिया पूरा पूरा। अब ना गाइस इसको पकड़ने का ट्राई करते भाई, आज ये इस बार ये छोड़ने नहीं वाला, इस बार ये पकड़ के रहेंगे। एक अटैक और मारते हैं उसके बाद पकड़ते हैं। अरे पैर स्पेयर खत्म हो गया, गया हम गए दब्बा, पैर स्पेयर खत्म हो गया अब। ओ भाई येलो वाला भाई, ग्रीन वाला भी पहले स्पेयर खत्म हो गया, अब क्या करूंगा मैं, इसे जान से ही मारना पड़ेगा। गाइस भाई यहाँ पे आने से पहले ना मैंने अपने पहले स्पेयर चेक नहीं किया और पूरे खत्म हो चुके, एक अटैक का नहीं बचा है। ओ भाई दूसरा वाला पोकेमोन भी आ रहा है क्या इधर फाइट करने को, अरे मारो उसको, कहा हो गया? कोई बात नहीं, अपने पास काफी ज्यादा पावरफुल पोकेमोन है जो कि भाई इन दोनों को निपटाने वाले। इससे फाइट मैं लेना नहीं चाह रहा था, पता नहीं कैसे फाइट हो गया इससे, पर आई थी ना मुझे इसके सामने अपने वाटर टाइप पोकेमोन को भेजना चाहिए भाई, इससे ये काफी ज्यादा डैमेज देगा इसे। नाइस ब्रो मार दे भाई, रिप्टायर अपना काफी ज्यादा प्यारा फाइट करते है। ओ भाई मेरे पास है ये वाला अटैक ने से काफी ज्यादा डैमेज देने वाला, और ये डेड है भाई, मेरे पास ना पहले स्पेयर नहीं, वरना मैं पकड़ लेता ही नहीं। एंड इसके बाद इस वाले एरिया में वापस आएंगे फिलहाल, इसे जल्दी से जल्दी मार दे ब्रो। अरे भैया मारो, तब तक ये भक्त के मेरे पास आ जा रहा है भाई, पूरी पूरी शील्ड डैमेज होगी, मेरे को ना शील्ड भी रिपेयर करना होगा। हो गया हो गया, आ जा जाओ भाई, नहीं मारा यार, अब मर गया क्या? नहीं मारा अभी भी, भाई कितना ज्यादा ताकत इसके अंदर अभी भी, मैं मार देते मर गए भाई, आ जा रिपेयर वापस। फाइनली गाइस मैंने काफी सारे पहले स्पेयर बना के ला लिए। एंड भाई हमें सामने के साथ में लेवल 37 का फिंगलब भी दिख चुका है, इस बारी तो इसे नहीं छोड़ने वाले भाई, इस बारी इसके फाइट लेके इसे पूरा निपटाने वाले नहीं है, इस बार इसे पकड़ लेंगे गाइस कंफर्म यार। भाई बहुत बुरा अटैक मारा यार, एक शॉट में इतने बड़े पैल को उसने फेंक दिया, नाइस ब्रो। इसके ऊपर ना आग लग जाती तो इसकी एक्सपी काफी ज्यादा कम हो जाती है, एंड पिछले बारी तो मेरा पहले स्पेयर ही खत्म हो गया था इसलिए मैं इसे पकड़ नहीं पाया। ओ भाई बहुत ज्यादा बुरा फाइट, भाई वापस आ जाओ वापस आ जाओ, नाइस ब्रो एकदम एचपी में बचा। आई होप इस बार ये आ गया, एक बार पहले ग्रीन वाला फेंकोगे इसके ऊपर, वेस्ट हो गया ब्रो ग्रीन वाला, अब ना मुझे ये वाला फेंकना होगा।
एंड आई होप ब्रो इस बार ही आ जाए भाई, इसकी एक्सपी एकदम जीरो है। एक अटैक और कहीं से भी पड़ गए ना तो ये डेड होने वाला ब्रो, इस बार ही आ जा। नहीं आ रहा यार, ले भाई ले, मेरे पे अटैक कर दे रहा, मैं एक अटैक मार दूं ना मर जाने वाला है। इस बार ही आ जा ब्रो, चार बॉल फेंक दी। अरे नहीं आया दद्दा, इसको ना मैं काम करता, थोड़ा अटैक खा लेता बट इसे बैड से मारता हूँ ओके, ताकि इसे ज्यादा डैमेज ना पड़े। और कहाँ भाग गया भाई, इतना स्पीड भागता भी है ना। अरे भाई बॉल वेस्ट कर रहा है, नहीं आएगा ना, आठ को बॉल है मेरे पास इस बार। अरे दद्दा नहीं आया हो, नहीं आ रहा ब्रो, कहाँ भाग गया रे। अरे बाप रे, नहीं आई थिंक मेरा पहले स्टर भी खत्म हो चुका, बहुत सारा पहले स्टर वेस्ट कर दिया मैंने इससे। आई थिंक ये आखिरी होगा पहले स्टर मेरा। नहीं आया भाई, नहीं आया, क्या पिकेट से मारोगे इसे। ले भाई ले भाई, पहले स्टेप पूरे के पूरे खत्म हो चुके हैं, ब्लू वाले से तो ये आने नहीं वाला। ऑल राइट गाइस, जिस वाले पोकेमोन को हम इतने टाइम से ढूंढ रहे थे वो भाई फाइनली हमें यहाँ पे दिख चुका है, वो वाला कौवनी भाई। उसके बाजू में जो है जिसका नाम है रैग्नारोक, ये भाई पैर वर्ल्ड का बहुत ज्यादा मतलब उड़ने वाले में से सबसे ज्यादा फास्ट ट्रैवल करने वाला पोकेमोन यही है भाई। ये लेवल 37 का पता नहीं आएगा कि नहीं, तो भाई फिलहाल ट्राई करते इससे फाइट लेते गाइस, बस वो कौवा बीच में ना आ जाए। नाइस भाई, पकड़ने का ट्राई करते। मैंने गीगा स्फीयर सिर्फ बना के लाया, आई होप आ जाए गीगा स्फीयर में। और भाई फाइट शुरू हो चुकी है, अपने इस वाले पोकेमोन को भेजते हैं, देखते भाई नीचे अगर अटैक करेगा ना तो काफी तो सही रहेगा यार। बाकी उधर पे कितनी फाइट हो चुकी है, ओ भाई उधर बंदे लोग फाइट कर रहे अलग ही, बहुत बुरा भाई, पूरा शील्ड डैमेज कर दिया एक बार में। ओ भाई आई थिंक ना मेरे को वाटर टाइप पोकेमोन को इससे लड़ने के लिए भेजना चाहिए, अपने रिटायरों को भेजते है ना। नाइस ब्रो, बहुत ध्यान। अरे कौवा आजू बाजू घूम रहा है, वो ना फाइट में आ जाए। भाई कितना बुरा अटैक मार रहा है, मेरा रिटायरो डेड हो गया ब्रो, तो दूसरा वाला भेजना पड़ेगा भाई, बहुत ज्यादा पावर इसके अंदर। रिटायरो को पूरी जीरो एचपी में कर दिया इसने। ओ भाई बहुत खतरनाक पोकेमोन है, आयो ये संभाल लेने वाला है भाई, बहुत बुरा अटैक यार। नाइस भाई, अपना पोकेमोन ये वाला ना काफी ज्यादा प्यारा फाइट करता है भाई, अरे सिर्फ 8-8 की डैमेज मिल रही है इसे। ओ भाई नाइस ब्रो, बहुत खतरनाक पोकेमोन है। अपना पोकेमोन किधर गया, इधर आके लड़ना ब्रो, कहाँ जा रहे है। अरे एरो खत्म हो गया भाई, एरो खत्म हो गया मेरा। एक अटैक और मार दे, उसके बाद ट्राई करते हैं इसे पकड़ने का। आई होप ये पूरा डेड ना हो भाई। नाइस नाइस नाइस, पहला बॉल इसके ऊपर फेंकते हैं और भाई आ जाए तो मजा आ जाएगा यार। मेरे पास सिर्फ 10 पहले स्पेयर बचे हुए, अब सिर्फ 9 बचे हुए भाई। लेवल 37 का यार पता नहीं आएगा कि नहीं, नहीं आ पा रहा ब्रो। इसके लिए ना गीगा स्पेयर चाहिए भाई, लाल वाला। ओ भाई आ जाएगा क्या, नाइस ब्रो फाइनली क्या करते, बस रैंगना होकर आ चुका है। अब भाई फटाफट से ना यहाँ से बाहर निकलते, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फाइट शुरू हो चुकी है और बीच में हमें ना लपेट ले। नाइस भाई, एक नए टाइप का पोकेमोन फाइनली अपने पास आ चुका है। अपने पास अभी ना दोनों टाइप के पोकेमोन आ चुके हैं, ग्राउंड पे ट्रैवल करने के लिए भी आ चुके हैं एंड भाई हवा में ट्रैवल करने के लिए भी, दोनों टॉप के पोकेमोन को आज के इस वाले एपिसोड में हमने पकड़ लिया। तो आई होप गाइस आप लोगों को आज के इस वाले वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आप लोग ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी इस वाले एपिसोड में भाई अभी शेड्यूल नहीं बनाएंगे, उनका शेड्यूल हम नेक्स्ट वाले एपिसोड में बनाएंगे एंड उसमें ट्राई करने वाले भाई इनकी स्पीड सच में कितनी ज्यादा है, कितना फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं, कितना फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं इनको लेके। बस याद से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भाई अभी जो हमने पैच पकड़े उनकी बिल्डिंग कराने वाले, देखने वाले इनमें से कौन सा अमेजिंग पैच निकलने वाला। बाकी भाई ये वाला तो आप लोग देख सकते हैं, घंटे बाद ये भी ओपन हो जाएगा। तो नेक्स्ट वाले एपिसोड में इस वाले एंड भी ओपन करेंगे, देखेंगे इसमें से क्या निकलने वाला है। मजा बहुत ज्यादा आने वाला, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे साथ पैल वर्ल्ड की जर्नी में। बाकी इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।